हमारे बहुत से लोग अपना मंदिर के भी लोग चले गए,
हमारे कौन चले गए? तो मंदिर के सहयोगकार बताइए, सबकी सुनते थे, पहुंचते थे, सबकी सुनते थे और हंसते रहते थे, कोई कुछ भी कहते, कोई बात नहीं, ऐसा होता तो ड्राइवर तो सही है ना, ये कहना होता था कितने गाने बन जाते थे पिछले कई वर्षों से, अंदर का काम मान रहे हमारे बीच नहीं रहे, हमारे और भी बहुत से प्रिय जन, हमारे बहुत से बहुत से लोगों के परिवार के जन रिश्तेदार इस दूसरी गहर में चले हैं, दूसरी गहर, लेकिन तीसरी गहर आने वाली है, इसलिए सावधानी को छोड़ना नहीं है, मास्क को छोड़ना नहीं है, और तीन फिट की छह फिट की दो पांच को छह फुट की दूरी को यहाँ पर भी अपने को बना के रखना है, ये दो चीजों का पालन कर लो, एक दूरी मेंटेन और एक मास्क, तो आप जो है बहुत कुछ बचे रहो, पूरे बचे रहोगे, ये नहीं कह सकते 80% बचे रहोगे, तो हमें कोरोना से सावधान रहना है, कोरोना तैयार नहीं है, कोरोना अभी मौजूद है, तीसरी लहर की संभावना 1 से 1.5 महीने के अंदर व्यक्त करी गई है, तो डेफिनेटली जब संभावना है पूरा भारत व्यक्त कर रहा है, बड़े बड़े वैज्ञानिक कर रहे हैं, तो आनी तो है, तो सावधानी रखनी है, छोड़नी नहीं है। चलिए सात समुच्चय तक हमारा चल रहा है, आचार कुल भद्राचार उचित सात समुच्चय पर सत देशना और देशनाकार परम पूज्य श्रमणाचार श्री केशवाचार्य विशुद्ध साक्षी महाराज की जय। कहाँ पर हमारा और भी बहुत सारे सागर हैं, वहाँ सारे सागर मिलकर महासागर हुए हैं। चलिए देखिए, सारा चीज जो आपको मिली है, आज का विषय है, जो भी आपको सारी चीज मिली है, आप मिला है, पूजा मिली है, पाठ मिला है, शिव मिला है और सात समुद्र को मिला है, ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों के उदय से आपको मिला है, तो अगर जिस क्षण कर्म का उदय आएगा, प्रभावशाली का प्रभाव भी हीन हो जाएगा, अगर आपका कर्म का उदय नहीं आया अच्छा, तो आपका प्रभाव भी हीन हो जाएगा, किनको तीर्थंकर भगवान ने सहदेव को अंजुली लगा के समझ लेने बात, अंजुली लगा के 6 महीने तक आग के लिए घूमते रहे, लेकिन आहार मिला नहीं, देवों के आसन नहीं गए और आचार्या के निकले तो 100 रंग का आसन क्यों नहीं हिला, 100 रंग को कौन ही पता लगी कि इनको विधि की मिल रही है, मैं विधि बता दूं क्या 100 रंग विधि बता नहीं सकते थे, 100 रंग की भी समझ में नहीं आ जाए क्या हो जाए, कर्म का प्रभाव 100 रंग इंद्र भी अपनी ज्ञान नहीं लगा सका, भरत चक्रवर्ती अपने पिता की विधि नहीं मिला सके, भरत चक्रवर्ती बाहुबली मौजूद थे वो भी नहीं बता सके, कर्म का तीव्र उदय सामने खड़ा है, तो विश्वास रखना सब कुछ जानने वाला भी सब कुछ भूल जाएगा, यह ज्ञान तभी तक काम आता है जब तक तेरा पुण्य तेरे साथ है, यह ज्ञान तभी तक काम में आता है जब तक तेरा पुण्य तेरे साथ है, अशुभ कर्म का विपाक जब सामने आता है तब तीर्थंकर जैसे महापुरुषों को भी अंजलि लगा के घूमना पड़ता है, कोई विधि बताने वाला नहीं होता, और जब कर्म का समय पूर्ण हो गया तो तुरंत विधि मिल गई, श्रेयांत कौन के यहाँ विधि मिल गई, और वही कौलम इंद्र रत्नों की वर्षा करने आ गए, इतने समय तक कहां थे, जब ऋषभ देव तीर्थंकर भगवान को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा, तो हम और आप
कौन है? कभी हीन भावना, अब आई मन पर, कभी हीन भावना मन में मत लाना कि मेरे दिन कैसे आ गए। हे भगवान, दिन ने दुखी नहीं किया, जिन्होंने दुखी नहीं किया उन दिनों को याद करो जब सुख के काल में तुम दूसरे के दुख में, सुख के काल में तुम दूसरे के दुख में दुखी महसूस नहीं कर रहे थे। इतने सुख का काल था और दूसरे का दुख का काल था, तुम्हारे अंदर जरा भी महसूस नहीं हुआ। उस काल को याद करो, वो सुख का काल तुमको दुख देकर गया है। अशुभ के आसरा सुख के दिनों में ही तो किया था, सुख के दिनों में जितना पूछते सुख के दिनों में उतना ही पूर्णा पड़ा, जितना समाज हो, कोई भी हो, चित्र हो, समन्वय के साथ रहना, लेकिन तीव्र राग के साथ मत रहना। तीव्र राग जिनका जिनके साथ तीव्र राग होता है को उतना ही रोना पड़ता है। इच्छा करने से किसी को संसार की विभूति ना मिली है ना मिलेगी। इच्छा करने से कुछ भी नहीं मिलता, संसार का सुख भी पुण्य के संचय से मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा तो रत्न त्रय के पालन से मिलेगा। इच्छा करने से हम इच्छा कर लो ना हमें ये चीज मिल जाए और रत्न त्रय का पालन करो मत तो मोक्ष मार्ग भी नहीं मिलेगा। इच्छा करने से ना मोक्ष ना संसार का सुख मिलेगा। कौन चाहता है मैं नौकर बनूं, कौन चाहता है मैं किसी से मांगूं? हर व्यक्ति की दृष्टि है कि मैं सम्राट बनूं, पर बनूंगा कैसे? इतनी सामग्री पुण्य की देकर आए हो, मिलेगी तो उतनी ही। हर व्यक्ति की दृष्टि है कि मुझे पेट भर के मिल जाए, पर उतना द्रव्य तो चाहिए। यदि पुण्य का द्रव्य तेरा नहीं है तो इच्छा ही कर पाओगे, प्राप्त नहीं कर पाओगे। इच्छा करने में तुम स्वतंत्र हो पर प्राप्ति में तुम परतंत्र हो। इच्छा वर्तमान की है और प्राप्ति तो भूत के पुण्य की है। भूत में जो पुण्य कर्म किए हैं वर्तमान में वही फलित होंगे। किसी से मत पूछना कि कौन कहता है, अपंग हो, सुंदर हो, हीन हो, दरिद्री हो, अमीर हो, किसी से कुछ मत कहना। पुण्य दिखाई नहीं देता पर सुगंध आ रही है, इतनी तो पहचान आपको ज्ञात है कि गुलाब की गंध अलग होती है, चंपा और जूही की भिन्न होती है। पुण्य की सुगंध भिन्न है, नेत्रों से दिखे या ना दिखे, पर सुगंध के माध्यम से हम इतना जान लेते हैं कि कहीं ना कहीं गुलाब है। गुलाब ना होता तो सुगंध ना होती, यह बोध होता है कि नहीं? सुगंध से आप गुलाब की पहचान कर लेते हो और दुर्गंध से आप गंदगी की पहचान कर लेते हो, यह अनुमान के माध्यम से है। अग्नि को हम धुएं के माध्यम से जान लेते हैं। ऐसे ही ज्ञानियों जिनके टेढ़े मेढ़े शरीर है, किसी से उनसे कुछ मत कहना क्योंकि वो भगवान आत्मा है उनके अंदर भी, लेकिन वो अपंग क्यों हो गए? जिनके मन तिरछे थे, जिनके तिरछे मन थे, जिनके तिरछे भाव थे, परमात्मा के चरणों में आकर भी जो परमात्मा को ना देख सके, भगवान के पास आकर भी जिन्होंने आंखें बंद कर ली, गुरुओं के पास आकर भी जिन्होंने आंखें बंद कर ली हो, और तो और जिन वाणी सुनने के लिए भी उन्होंने कान बंद कर लिए हो, ऐसे ऐसे जीव की जगत में हुए होंगे और है जिन्होंने अरिहंत भगवान की प्रतिमा को देखकर अपना मुख मोड़ लिया हो। आज उनके चेहरे देखो, कोई उनके चेहरा को देखना पसंद नहीं होता। उनसे तुम पूछने मत जाना जिनके चेहरे सुंदर हैं। भूत के पापियों की पहचान करो, भूत के पुण्य
अपना आत्मा की पहचान करो। शरीर जो मिला है पुण्य के कर्मों के वजह से आपको सुंदर शरीर मिला है, असुंदर मिला है, तो आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई कर्म ऐसे किए जिससे आपको ऐसा शरीर मिला। भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, सर्वत्र भगवान की वाणी में लिखा हुआ है। ऐसा रत्न कर्म श्रावक आचार में आचार संबंध स्वामी ने भी लिखा है, तूने पूर्व में नियम से अर्हत की भक्ति नहीं की, जिसका परिणाम तुझे यह कुरूप शरीर मिला, यह तेरा पुण्य है और यह मेरा पाप है। अब किसी से पूछना मत, मुमुच्छु, यदि कोई धीमान तुझे दिख जाए तो उसके वैभव को देख के ईर्ष्या मत करना, पहचान समझो धर्मात्मा की, सम्यक दृष्टि की, विभूतिमान व्यक्ति की देखकर ईर्ष्या नहीं करता, उनका सम्मान करता है। अज्ञानी उसे ईर्ष्या करके झुलस रहा है, लेकिन झुलस कर करेगा क्या, उसकी संपत्ति का नाश तो वो नहीं कर सकता है। इसलिए अपने परिणामों को संभालना, हमें हर वक्त अपने परिणामों को संभालना चाहिए। जिस वक्त भी हमारे परिणाम गलत हो रहे हो, उस वक्त हमें एक ही बात सोचनी है और एक ही बात ध्यान में रखनी है। यदि परिणाम गलत हो तो आप समझ लीजिए, ध्यान में ले आइए कि इन भावों का फल क्या होगा। यदि परिणाम गलत हो तो तुरंत एक शब्द दिमाग में आ जाए कि इन भावों का फल क्या होगा, आपके परिणाम बिगड़ना तत्काल रुक जाएंगे। बोले महावीर भगवान।